जो हमारे अधिकारों के लिए संविधान में सिक्स फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं, उन राइट्स में बोलने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार और जो भी व्यवसाय करने का जो जितने अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को वंचित कर दिया। तो ये कानून का नहीं है, मनमाने ढंग से उस कानून को करते हैं तो वो जो है 10 साल बर्बाद नहीं होते, पूरी लाइफ बर्बाद होगी। अब उसको मैं बोला वो तो पढ़ने गया था, उससे तो ज़्यादा हमारा तो पढ़ाई के लिए गया। तो बोला खैर आप, फिर हमने बोला हम कैसे कहेंगे, तो बोला आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, आपने सेवा की, आप आ जाइए और आपकी हम बात करा देंगे, ऐसा कुछ। फिर हम लोग गए दो साथी के साथ अहेरी, 23-24 अगस्त शायद ना, वो 25 अगस्त को, तो उधर पहुँचे हम उसका लेके, तो अहेरी में इन लोगों को उधर मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था, 6 के 6 लोगों को। उधर तीन आदिवासी और प्रशांत राही चार, और साईं बाबा तो बाद में, उसमें 5 ही लोग थे। तो वो 5 लोगों में एक हेम हो गया, तो इससे मुलाकात किया, उधर ओपन में थे तो वहाँ तो सिविल वर्दी में जो नक्सलाइट एरिया मानते हैं उधर, ऐसा बताया गया हमें, तो उस एरिया में। और बलारसा स्टेशन पे इनको पकड़ा, तो इनको कुछ आँख आँख बंद करके उधर ले जाए गए, 3 दिन जो है अवैध जो कस्टडी में रखा, जो जबकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखने का है उसमें लॉ में, तो वो नहीं करके, वो 3 दिन का कोई वो नहीं, उसमें जो यातनाएं दी गई उसमें, तो उसके अनुसार वो तब हम लोग मिले। फिर उसके बाद आगे हम लोग वापस गांव चले गए, फिर इनका जो है नागपुर जेल में इनको ट्रांसफ़र कर दिया अंडर ट्रायल जो था। उसके बाद हम 1-2 बार मिलते रहे वहाँ, बाद में जब 2017 तो वो जब जजमेंट आया तब भी हम गए थे, सारे लॉयर्स होपफुल थे कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये केस ये दिखाया गया है और इसमें ज़बरदस्ती इनके बुकलेट्स वगैरह, इनके वो कुछ पर्चे वर्चे दिखाए गए हैं, केले वगैरह कई चीज़ उसमें लिखा था मैं जो पढ़ा। तो उसके बाद कि हो जाएगा, हम भी कोर्ट रूम में थे वहाँ पर जब जजमेंट था, तो जज साहब आए और करीब 5-10 मिनट में वो सुना के चले गए, आपको कुछ पैरवी करनी है तो आप कर सकते हैं, आगे कुछ बात कहनी है तो लॉयर से, नहीं तो कुछ कहने से वो कर दिया। तो हम ऐसे आ गए, हमने कहा ये तो अब केस तो काफ़ी चलेगा। उसके बाद फिर मुलाकात करते रहे जेल में, जेल का जो है जेल का अनुभव है, तो हमारा भी जो समाज में हम जाते हैं गांव में, तो उधर तो उनको जानकारी नहीं है ये क्या है राजनीतिक, UAPA लगाया है, पढ़े लिखे लोग तो कुछ जाते हैं, तो अखबारों में बहुत कुछ आ गया, ये माओवादी पकड़े गए, नक्सलाइट पकड़े गया, और बहुत सारे जो गांव में जो चर्चा हमारे इर्द गिर्द होती थी, कोई बोलता है किसके इसमें बड़ा वो हो गया, क्यों गया है, कैसा गया है। यहाँ पर जो कंपेन वगैरह हो इंग्लिश मीडिया पे या इंग्लिश उस पर होता था, इंग्लिश पेपरों में ज़्यादा आया, वो गांव में तो जाता नहीं, वो गांव में तो जो सरकारी पेपर जाता है, अमर उजाला वहाँ पर था, जागरण था, उसमें तो बहुत कुछ खिलाफ ले, देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये पकड़े गए वो पकड़े गए, वो इस टाइप की। तो गांव में आया कि बड़े अपराध कर दिया और ये हो गया, कुछ लोग करने लगे, कही हम लोगों ने भी समझाया, मेरी पत्नी ने भी समझाया कि ये कोई चोरी करके थोड़ी गए हैं, अपने अधिकारों के यूनियन के लिए स्टूडेंट के लिए क्या होगा कुछ, वो बोले ये तो चोरी से भी खतरनाक अपराध है, जैसा उन लोग समझते हैं, उनको तो जानकारी है नहीं क्या जेल माने वो अपराधी ही मान। तो हमने कोशिश किया वहाँ पर, जो भी जो थोड़ा डेमोक्रेटिक टाइप के लोग थे उन्होंने समझाने की कोशिश भी, वहाँ भी कॉन्फ्रेंस किया। तो इस प्रकार ये सिलसिला जेल में इनसे मुलाकात का हो गया, मैं ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करूँगा। तो इस पर यह है कि हम लोग गए नासिक जेल, तब तो ये जनरल वार्ड जनरल उसमें बैरिक में रखा हुआ था, और वही वो जाली से और शीशे से मुलाकात होती थी 20 मिनट, थोड़ा कभी वो दूर से आए, हम रिक्वेस्ट करते थे कि हम तो उत्तराखंड से आए हैं,
तो वो करीब 10-1 मिनट और बात का कर देते थे, तो उसके बाद वापस आ जाते। फिर वो महीने में 2 बार ऐसा कई बार जाते थे। उसके बाद इनका सजा जब सुनाने के बाद आजीवन कारावास के जो सजा दी गई, उसके बाद इनका तब तो पांचों लोग मेरे ख्याल से साई बाबा भी शायद अगले 2014 में वहाँ आ गए थे, तो वो चारा लोग तो उधर नागपुर जेल में थे, 2 लोग जो है अमरावती जेल में, हेम और प्रशांत राय को वहाँ। तो हम 1-2 बार वहाँ मिले, फिर हेम का जो है अमरावती से नासिक रोड जेल में भेज दिया। 1-2 बार हम वहाँ भी गए, बड़ा मुश्किल हुआ। वहाँ पर पुलिस वालों का ये है कि कोई अच्छे हैं वो मोबाइल और बैग वैग, हम लोग तो दूर से जाते हैं कहाँ रखे हैं वहाँ, हमारी कोई जानकारी नहीं। तो एक पुलिस वाला बोला हमें कोई नहीं, हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, उधर नहीं ले जाना है ये मोबाइल, तो वो फेंक दो हमारी तरफ से। इस तरीके से व्यवहार था उनका। फिर एक दूसरे दिन हम ऐसे जनरली हम 31 तारीख और 1 को महीने में 2 बार मिलने का, तो 2 दिन को लेके लास्ट मंथ जाते थे। तो दूसरे दिन गए, एक पुलिस वाला कोई लेडी वो थी वहाँ पर, वो तो बड़ी अच्छी थी, बोला ये मेरे सामने रख दीजिए बैग वैग और मोबाइल भी रख दीजिए। तो ऐसे लोग उनका पुलिस का व्यवहार भी है। तब भी मेरा बेटा बड़ा वाला गया एक दिन मिलने, तो फिर इसका ट्रांसफ़र कुछ 1-2 साल बाद जो वहाँ से वहाँ कर दिया आपका कोल्हापुर। तो उन्होंने बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन भी हमको नहीं थी। वो गया वहाँ पर, उनने बोला पता नहीं कहाँ, वो सिपाहियों को पता नहीं रहता है लिस्ट या बताना नहीं चाहते। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से, ये मदर भी थी इसकी, तो वो लोग, मैं उस दिन नहीं था, 2 लोग थे, 2-3 लोग, तो वो फिर वहाँ गए कि बोला हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो फिर वहाँ जो है कोल्हापुर में मुलाकात करके आए। फिर इस प्रकार हम 2 या 3 महीने में हर बार वहाँ जेल में मुलाकात करने जाते थे। हमें ये लगा कि हम तो बाहर हैं वैसे, अब वो अंदर से उसको कोई परेशानी न हो, उनको बुक्स देना, उसके लिए कुछ बुक्स का अरेंजमेंट करना पढ़ने लिखने का, उसके बाद उसके लिए पैसे भेज देना, ये हम रखते थे कि अपनी तरफ से। लेकिन हम लोगों को जो परेशानी वहाँ पर जाने में, हम तो काफ़ी एजड हैं, मैं तो इधर 74 साल का हूँ अभी, तो काफ़ी, और वो भी बीमार हैं, मैं भी कई बीमारियाँ हैं, तो वो जो ट्रैवलिंग में हम लोग ने, वो तो अंदर था, वो तो जेल ही रहा जेल के अंदर, हमने कोशिश किया कि उनको कोई ऐसा महसूस न हो कि मेरे और कोई लोग आफ्टर नहीं कर रहे या देख रहे नहीं कर रहे, तो कोशिश किया। लेकिन हम लोगों को काफ़ी कभी रात जाना पड़ता, सीधे ट्रेन नहीं है यहाँ से, कभी बॉम्बे के रास्ते जाओ या पूना के रास्ते रात में ट्रेवल, फिर वहाँ जाके वो लोग ये माओवादी हैं करके उसको पहले नहीं नंबर आता था, सबसे लास्ट में। तो जब उनका इंटेलिजेंस का कोई आ जाता वहाँ बुला के, तो बड़े लेट से मुलाकात होती थी। तो ऐसे ही 2 दिन हमारे, 2 दिन का टाइम लेके जाते थे। तो इस प्रकार हम जाते रहे, करते रहे, चिट्ठियाँ भेजते थे, समाचार वगैरह, पैसे वगैरह। तो ये तो जेल का है, बाकी इस पर इनके साथ के बीच में पांडु नरोत्र तो एक्सपायर कर गए, वो हमें न्यूज व्यूज से पता चला। तो 5 लोग जो है उस पर कर रहे थे। साईं बाबा भी डिसेबल थे, वो भी अपना, उनके ज़्यादा परेशानी थी, इसको भी परेशानी थी, इसका हैंडीकैप का है हाथ का, तो ये कई बार इनको हाथ का परेशानी होती थी, वो जेल में दबा हुआ, हमें वो भी चिंता लगी रहती थी। बाकी जेल की वजह से, वो जेल का व्यवहार तो जो होता है, जेल तो जेल ही है, और अंडा सेल तो जेल के अंदर और जेल है वहाँ पर, तो वो सारी, वो तो अंदर इन्होंने झेला और हमने बाहर झेला ये परेशानियाँ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। इधर कंपेन होते रहे, उनका सपोर्ट हुआ, लेकिन वो जो शहर तक ही रहा कंपेनिंग भी, वो भी जो इंग्लिश में होता था, मैं एक बार कहा भी था, जब आप पंपलेट वगैरह निकालते हैं तो उसको हिंदी और इंग्लिश में दो निकाला, कभी कहा भी था, तो चलो कभी कभार निकलते होंगे। तो शहर में तो पढ़ने लिखने वाले लोग, गांव तक ये जाता नहीं, वो लोग तो उसको नहीं समझते, जो शासन के सरकार द्वारा जो प्रचारित होता है अखबारों में आता है, या जो उनका मीडिया बोलता है, प्रिंट मीडिया और ये आपका रेडियो, आपका टेलीविज़न, तो वो सब वही, उसको ज़्यादा लोग समझते हैं। वो पकड़े गए, फिर आजीवन कारावास, लोग तो कहने लगे अभी
हमारे मित्र लोग भी, रिलेशन वाले भी, अब तो आजीवन नहीं आएगा और ये वहीं रहेगा, ये हो गया वो हो गया, वो बहुत सारा मानसिक रूप से हमको झेलना पड़ा इसमें। तो बाकी मुझे इसमें ये कहना है, ये जो है कि कंक्लूड, बस मैं समाप्त कंक्लूड कर रहा हूँ इस पे। मुझे ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैंने कह दिया। तो इस पे ये है कि जैसे न्याय प्रणाली है, तो न्याय का जो हमको मिलता है, जैसे डेमोक्रेसी में जो संविधान पे विश्वास, संविधान में जो लिखा गया है उसके अंदर जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसमें जो हमारे अधिकारों के लिए संविधान में सिक्स फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं, उन राइट्स पे बोलने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, और जो भी व्यवसाय करने का जो जितने अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को वंचित कर दिया। वो पढ़ाई करता था, उसकी पढ़ाई छूट गई, तो और न्याय भी है तो वो देर से मिला। न्याय को डिले करना तो न्याय न मिलने के समान है। लॉ जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके हिसाब से रूल, कानून का राज्य होना चाहिए, तो ये कानून का नहीं है। मनमाने ढंग से उस कानून को करते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ रखते हैं, जो है बिना उसके रख देते हैं। जेल में भी वो कानून चलता है, जो उनकी मर्जी आई, कानून में जो है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद जब जजमेंट भी आ गया तो उस जजमेंट को भी नहीं माना, हम तो चले गए। उसके तुरंत बाद शनिवार को जो है सुप्रीम कोर्ट खोल दिया, जबकि पूरा पेपर में, मीडिया में आ गया कि सैटरडे को, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि जो खोलना पड़ा। वो जो भी है, ये न्याय प्रणाली की वो है, इसमें कमियां हैं उसकी। तो न्याय अगर मिल गया होता, तो टाइमली मिल गया होता, तो वो जो है 10 साल बर्बाद नहीं होते, पूरी लाइफ बर्बाद होगी। अब उसको रीसेटल होना पड़ेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो उसकी भरपाई तो कैसे करेगा। रवीश कुमार ने भी अपने YouTube में बोला है कि वो तो खुश हो गए, हम न्याय मिल गया तो 10 साल का भरपाई कौन करेगा, जिन लोगों ने जिम्मेदार इनको ये किया तो उसको कैसे होगा। तो ये कई काफ़ी सुधार की, जैसा प्रोफेसर साहब ने अभी बोला था कि अन्य जो भी हैं वो उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल पर उसको तो यहाँ भारत के संविधान में, तो संविधान में तो अच्छा ही लिखा है, लेकिन वो लागू कैसे होगा, उसके लिए क्या होगा, इसको सोचने की, और क्या लोग करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों का जो भी प्रयास है उसको आगे बढ़ाने का, और जो न्याय वगैरह की जो व्यवस्था है उसको सुधार हो। और ऐसे अभी हेम गुरु, ये 5 लोग तो छूट गए, ऐसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है जिनको जानकारी नहीं है किस केस में पकड़े, राजनीतिक कैदी बना के, तो उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा। उन लोगों का भी है, जैसे अभी सवाल भी आया था कि उन लोगों का वो लड़ाई आगे भी बढ़, तो ये सब एक सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुमान है, आप लोग सबका धन्यवाद, जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे जिस रूप में भी किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।